हे फ्रेंड, कैसे हो आप सब। तो मैं चल रही हूँ फ्रेंड आज शॉपिंग करने। तो शॉपिंग करने क्या क्या है, जो भी घर के मेरे छोटे मोटे सामान है ना, तो वो सारी मैं शॉपिंग करने करूँगी। उसके बाद देखो मैं जा रही हूँ सेक्टर 22 होते हुए गुजर रही हूँ। पता है ये सेक्टर 22 नोएडा में पहले मैं रहा करती थी, और उसके जस्ट बगल में था ये स्पाइस मॉल। तो ऐसे स्पाइस मॉल का नाम कुछ अलग अभी कर दिया गया है, लेकिन हमें स्पाइस मॉल आदत हो गई है, स्पाइस मॉल ही बोलती हूँ। और इन्होंने का सजावट देखो कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ ना फ्रेंड हमें अक्सर मैं आया करती थी, यहाँ मैं दो काम के लिए ज़्यादा आती थी। पहले तो इनकी दुकानें होती थी, ऐसे घूमने आ जाती थी, और उसके बाद खाने के लिए हल्दीराम में, और दूसरी बात कभी कोई मिठाई लेना हो ना तो मैं आती थी। ऐसे तो डेली आना मॉल में, तो पता है ना पैसे लगते हैं, ऐसे फ्री में अब जाओगे कुछ ना कुछ तो लेके ही जाओगे, ये हो जाता है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ फ्रेंड यहाँ, देखो न्यू में गई मैं। न्यू में ना मुझे लिपस्टिक लेना था और काजल, तो और लाइनर लेना था, ब्लैक लाइनर मुझे लेना था। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिया। उसके बाद मैं आ गई ज्वेलर्स के पास। तो ज्वेलर्स के पास आपने देखा था मेरा पायल टूट गया था, उसके बाद एक पायल मैंने कटवाया, तो ये पायल मैं कटवाई हूँ। जो सारी चीज़ें मैं की हूँ मैं आपको अलग से वीडियो में दिखाऊंगी आपको। उसके बाद फ्रेंड मैं यहाँ पे खा रही हूँ राज कचौड़ी, जो पांडे जी को बहुत पसंद होता है राज कचौड़ी, इनको पसंद होता है, तो हम खा रहे हैं राज कचौड़ी। तो यहाँ पे और हम और पांडे जी ही हैं फ्रेंड, बच्चे को नहीं लाई हूँ क्योंकि बच्चे को लाना है, बच्चे परेशान हो जाते क्योंकि हमें छोटे मोटे बहुत सारे काम थे, और जब भी मुझे काम होता है बहुत ज़्यादा तो मैं यहीं पे आके करती हूँ, क्योंकि मेरी ना कई सालों की आदत है ना, तो जहाँ मैंने सारी काम किया है, जैसे शॉपिंग भी करती थी या कुछ चीज़ें हमेशा जहाँ पे करते आई हूँ ना, तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पता नहीं क्यों मैं जे नोएडा से कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया है, तो वहाँ की यादें, वहाँ की चीज़ें मुझे भूले नहीं भूल पाती हूँ। तो उधर से जब गुजरती हूँ ना, आते जाते रहती हूँ, तो मुझे लगता है यार मैं एक रात इधर ही रुक जाती तो पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। और यहाँ पे पता है जब पूजा की दुकानों में आई, तो ये मुझे पता चला कि लड्डू गोपाल के भी वस्त्र मिलते हैं, इतने सारे लड्डू गोपाल की सारी चीज़ें। तो मैंने कहा काश पहले पता होता, लड्डू गोपाल के बारे में तो पता ही नहीं था मुझे कि लड्डू गोपाल के भी सामान मिलते हैं। और इनके पास देख रहे हो, आपने देखा लाल पीला हरा सब कलर का उनके पास बत्ती था, ये हर कलर का बत्ती रखते हैं, और माला वगैरह इनके पास ना सारी वैरायटी मिल जाती है। पूजा का जितना सामान आपको चाहिए ना फ्रेंड, सारे सामान यहाँ पे इनके पास मिलता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मुझे क्वांटिटी में कोई चीज़ चाहिए तो मैं यहीं से लेके अक्सर जाया करती हूँ। और यहाँ और सबसे मन की बात क्या होती है ना फ्रेंड, क्या जो चीज़ें आपको पसंद है वो मिलता है, और जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है और उसका रेट भी ज़्यादा हो तो वो चीज़ें ना फिर लेने का दिल नहीं करता है। जो चीज़ें पसंद आ जाती है उसका यदि 2 रुपये ज़्यादा भी आप दे दो ना, तो उसके लिए फिर खलता नहीं है। अब मुझे यहाँ पे ना मुझे कुछ चीज़ें खल जाती है, यहाँ पे ना रेट लोग ना अनाप शनाप रेट रखते हैं चीज़ों की, और ना मन की चीज़ें भी नहीं मिल पाती है मुझे। तो अक्सर जो भी कुछ मुझे चाहिए होता है ना, तो मैं उधर से ही मंगवाती हूँ, वहाँ पे मुझे अच्छी चीज़ें मिल जाती है, सही रेट में मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे मुझे पसंद नहीं आती है कुछ चीज़ें। अब पसंद नहीं आती है ये फ्रेंड क्या कहूँ, मेरी आदत हो गई है, ये भी बात भी है। ज़्यादातर तो पांडे जी अक्सर सारी चीज़ें लेके आ जाते हैं, मान को तो डेली जाना होता है। और यहाँ पे देखो लड्डू गोपाल के सारे बेड वगैरह हैं, सारी चीज़ें हैं, किसी को चाहिए तो आके आँख कान बंद करते हुए सीधा अट्टा चले जाओ, और यहाँ पे पूछ लोगे ना, किसी से भी पूछोगे पूजा का मार्केट कहाँ पे है, तो वो ना आपको जरूर बता देंगे, और यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। जो भी देख रहे हो यहाँ पे सारे पूजा का मूर्ति वगैरह है, यहाँ पे देवी माँ का मूर्ति, और यहाँ से ही लास्ट में मुझे ना देवी माँ का मूर्ति मैंने यहाँ से ही लिया, तो मैंने सोचा चलो यहीं से ले लेते हैं, अब हम सदर बाज़ार भी नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ दूर हो जाता है फ्रेंड, और बच्चों को लेके जाना तो सही नहीं है मेरे लिए। और ये है माता का श्रृंगार, जो भी माता को चढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे लाठी वगैरह है, बिंदी सारा एक ही साथ देख रहे हो, टोकरी में जितने भी श्रृंगार है वो सारी चीज़ें हैं। तो मैंने भी लिया था मेहंदी वगैरह, मेहंदी लिया था और बिंदी लिया, लाठी, सारी चीज़ें लिया है मैंने भी। सारी शॉपिंग वगैरह मेरी हो गई है फ्रेंड, मैंने भी सारे अच्छे से सारी चीज़ें कर लिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ फ्रेंड घर, घर में मैंने डांडिया भी लिया था, जो सारी चीज़ें डांडिया भी बच्चों के लिए मैंने लिया था।
और उसके बाद घर में आने के बाद फ्रेंड पहले थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर से लग गई हूँ घर के कामों में, तो क्योंकि मुझे सब कुछ समेटना पड़ेगा जो भी सारी चीज़ें हैं, और जगह निकालना पड़ेगा और फिर रखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें रखनी है। तो मेरी घर की हालत देख रहे हो, चारों तरफ सामान ही सामान है। तो मैंने अभी ऊपर वाला सेक्शन खाली कर दिया जहाँ पे मैं राशन रखती थी, तो वो मैंने पोंछ के पेपर डाल के मैंने रख दिया है सारी चीज़ें। और अभी घर में बहुत काम है फ्रेंड, दुर्गा पूजा को लेके ना घर में बहुत सारे, थोड़ी सा साफ़ सफाई भी करनी है। और ये मिल गया है मुझे लड्डू गोपाल के वस्त्र, जो मैंने कई साल पहले ये ख़रीदा था। ख़रीदा ही क्यों था फ्रेंड मुझे नहीं पता, और अब मुझे पता चल रहा है क्या हो।